कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश का मेडिकल सिस्टम तो फेल हो ही गया, साथ ही साथ इसका नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर भी दिखना शुरू हो गया है। कोरोना का इस बार ज्यादा असर इकोनॉमी पर ना पड़े इसके लिए आरबीआई हरकत में आ गया है। फिलहाल आरबीआई की पहली प्राथमिकता देश का हेल्थ सेक्टर है। जाहिर है जब हेल्थ सेक्टर मजबूत होगा तभी कोरोना से जंग जीती जा सकती है। ऐसे में हेल्थ सेक्टर की सेहत दुरुस्त करने के लिए आरबीआई ने इमरजेंसी हेल्थ सेवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए फंड देने का ऐलान किया है। ये कर्ज ऑन टैप लिक्विडिटी के तहत अगले 3 साल के लिए दिया जाएगा। ये कर्ज रेपो रेट पर दिया जाएगा जो कि अभी 4% है। इस दर पर कर्ज मरीज और पैथलैब्स भी ले सकते हैं। द फर्स्ट मेजर रिलेट्स टू टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ टू ईज एक्सेस टू इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज to boost provision of immediate liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services in the country, an on-tap liquidity window of ₹50,000 crore with tenor of up to 3 years at the repo rate is being opened till March 31st, 2022. That is March 31st of next year. ये कर्ज ऑक्सीजन सप्लायर, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, हॉस्पिटल आईसीयू बेड्स की सुविधा मुहैया कराने वाली कंपनियों को भी दिया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने छोटे कारोबारियों का भी पूरा ध्यान रखा है। स्थानीय लॉकडाउन से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे कारोबारियों को ही हुआ है और उनकी नकदी की दिक्कत को दूर करने के लिए आरबीआई स्मॉल फाइनेंस बैंक को 10,000 करोड़ रुपए का फंड देगा। ये फंड भी 3 साल के लिए सस्ती दर पर मुहैया कराया जाएगा। इसके तहत छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक कर्ज सस्ती दर पर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बैंक कोविड लोन बुक बनाई जाएगी। छोटे फाइनेंस बैंकों का छोटे कारोबारियों को लोन देने में बड़ा रोल होता है। राज्य सरकारों के लिए भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की मियाद को बढ़ाकर 50 दिन कर दिया गया है। टू प्रोवाइड फर्दर सपोर्ट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज हु आर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यूरिंग द करंट वेव ऑफ द पेंडेमिक, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट स्पेशल 3 ईयर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, दैट इज 3 ईयर SLTRO ऑफ ₹10,000 crore एट रेपो रेट फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू बी डिप्लॉयड फॉर फ्रेश लेंडिंग ऑफ अप टू ₹10 lakh पर बोरोवर। आरबीआई ने वीडियो KYC की भी मंजूरी दे दी है। अब बैंक ग्राहक की KYC वीडियो के जरिए ही कर पाएंगे। आरबीआई कोरोना के मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है। आरबीआई ने माना है कि दूसरी लहर से इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि इकोनॉमी में रिकवरी देखी जा रही है। अच्छे मानसून की वजह से मांग गिरने की गुंजाइश भी काफी कम है। महंगाई भी काबू में है। फिलहाल आरबीआई ने जो सबसे अच्छा कदम उठाया है वो हेल्थ सेक्टर के लिए है। इसकी सख्त जरूरत थी। इस कदम से ऑक्सीजन, वैक्सीन और जरूरी दवाओं की कमी नहीं होगी।